Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 5th. And today we continue chapter 6, health and disease. And today we discuss part 1 of this chapter. So let's see. This is your science book. Science of class 5. So let's open chapter number 6. See, this is the chapter number 6, health and disease. इसका मतलब है हमारा स्वास्थ्य और बीमारी. तो हम इस चैप्टर में हेल्थ और डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हेल्थ, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हेल्थ. डू यू नो व्हाट हेल्थ मींस? क्या आप जानते हैं कि हेल्थ का अर्थ क्या होता है? साइंटिस्ट डिफाइन हेल्थ as a state of complete physical and mental well-being. साइंटिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हेल्थ की परिभाषा ये दी है कि फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहना, उसे कहते हैं हेल्थ. एंड दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड and the body must be completely fit for a person to be considered healthy. अगर कोई person mentally यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब वो fit होता है पूरी तरह completely, उसे हम healthy person कहेंगे. यानी कि उसके जो health है वो अच्छी है, वो healthy person है. And proper food, hygiene, rest, exercise and correct posture are essential for remaining healthy. हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करनी चाहिए? प्रॉपर फूड लेना चाहिए, हाइजीन यानी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रेस्ट आराम करना चाहिए हमें, एक्सरसाइज रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड करेक्ट पोस्चर. करेक्ट पोस्चर का मतलब है हमें सही ढंग से बैठना चाहिए, यानी स्ट्रेट बैठना चाहिए, स्ट्रेट चलना चाहिए और स्ट्रेट खड़े होना चाहिए. यानी कि हमारी उठने बैठने और चलने का जो बॉडी का पोस्चर होता है वो हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, उसे कहते हैं करेक्ट पोस्चर. तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए तब हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिसीज. यू नो व्हाट इज द डिसीज? डिसीज मीन्स बीमारी. व्हेन वी आर सिक वी डोंट फील गुड. जब हम सिक मीन्स बीमार, जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छा फील नहीं करते. यानी हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है, हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते. डिसीज इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. डिसीज एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, यानी कि पूरी तरह से काम नहीं करता, यानी कि काम ढंग से नहीं कर पाता. हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में. इसलिए हम कहेंगे यानी कि हमें कोई बीमारी है, वो है डिसीज. एंड डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू मैनी रीजन. और बच्चों जो डिसीज़ होती हैं, यानी कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स
प्रॉपर काम नहीं करता है, सही तरह से काम नहीं करता है, यानी कि हमें कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, तो ये अलग अलग रीज़न होते हैं इनके, मतलब अलग अलग कारण होते हैं जिनसे ये डिसीज होती हैं। अब हम डिसीज को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एंड दे आर द टू टाइप्स डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिसीज। कुछ डिसीज नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और कुछ डिसीज नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बच्चों कौन सी डिसीज होती हैं, ऐसी कौन सी बीमारी हैं जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। व्हेन एनी वन डज नॉट टेक अ बैलेंस्ड डाइट, जब कोई इंसान बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन नहीं लेता है, हिज फूड लैक्स इन वन और मोर ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स, और उसके भोजन में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि उसके भोजन में नहीं होते। तो डिसीजेज आर कॉज्ड व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रेजेंट इन द डेली डाइट। इसलिए जब हम जो डेली डाइट लेते हैं बच्चों, अगर हमारे डेली जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर अगर हमारे एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट होते हैं, तो उस हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और उसकी कमी से फिर हमें बीमारी हो जाती है। सो दस डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट आर कॉल्ड द डिफिशिएंसी डिसीज। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हमारी बॉडी में डिसीज होती हैं, बीमारी होती हैं, उन्हें हम डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। एंड दीज डिसीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, और इन बीमारी को ही हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। एज दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और बच्चों जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के से नहीं फैलती। जैसे मान लीजिए अगर एक इंसान है, वो जो भी भोजन लेता है उसके भोजन में मान लीजिए प्रोटीन की कमी है, तो उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे बीमारी हो जाएगी। तब जो बीमारी उसे प्रोटीन की कमी से हुई है वो बीमारी उसके पास बैठने वाले इंसान को नहीं होगी, क्योंकि वो इंसान से थोड़ी फैली है, वो तो उसकी भोजन में प्रोटीन की कमी हो गई है इसलिए उसे बीमारी हुई है। ठीक है, तो जो बीमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है हमारी बॉडी में वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज ऑल्सो कॉज्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि हम जो भोजन लेते हैं वो तो हम प्रॉपर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कि पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, सही तरह से काम नहीं कर पाते। जैसे आपने सुना होगा कि किसी किसी की किडनी खराब हो जाती है, वो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी की किडनी फेल हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसे बीमारी हो जाती है, उसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो किडनी फेल होना ये बच्चों हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हम अनहेल्दी फूड लेते हैं उसकी वजह से भी हो जाती हैं। तो अनहेल्दी फूड लेना या हमारी बॉडी का कोई पार्ट्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, इस तरह से जो डिसीज होती हैं उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। डिसीजेज रिलेटेड टू द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, और हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसीज होती हैं। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई है
या किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो वो ब्लड प्रेशर की उसने बीमारी है। तो ये सब क्यों होती है? हमारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण, क्योंकि हम जो अनहेल्दी फूड लेते हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है कि हम पौष्टिक खाना नहीं लेते, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, वो अनहेल्दी होता है। तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, और वो कभी कभी अपना फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो उससे हमें डिसीज होने लगती हैं। अ डाइट रिच इन फैट में ऑल्सो कॉज हार्ट डिसीजेज। और कभी कभी बच्चों हम अपनी डाइट में फैट ज़्यादा लेने से भी हमें हार्ट डिसीज़ हो जाती है। यानी हार्ट की डिसीज़ कब होती है, यानी कि हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी, जब हम अपने फूड में फैट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीजेज। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीजेज यानी कि जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी से जो डिसीज होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है। दीज आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी और लेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। ये जो डिसीज होती हैं बच्चों, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज, ये हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जब पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, उसकी कमी रहती है, कम मात्रा में हमारी बॉडी में जाता है, उसी वजह से हमें बीमारी होने लगती है। मान लीजिए हमारी बॉडी में फैट की चीज़ें कम जा रही हैं, यानी फैट हम कम ले रहे हैं, यानी घी, तेल, चिकनाई जो होती है वो हम कम लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कम लेने से भी हमें उसकी बीमारी होगी, या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें कम बीमारी हो जाएगी। प्रोटीन हम कम ले रहे हैं, या हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जब उसकी कमी होने लगती है हमारी बॉडी में तो हमें डिसीज होने लगती है, यानी कि बीमारी होने लगती है। दिस हैपन व्हेन वी डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। और इनकी कमी बच्चों क्यों होती है? क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वो हमारा बैलेंस्ड नहीं होता, यानी कि उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। द टेबल गिवन अहेड लिस्ट सम विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड द डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू देयर डिफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं, और ये यहाँ पर इनकी डिफिशियंसी, इनकी कमी से कौन सी बीमारी है और उनके लक्षण क्या हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की जब हमारी बॉडी में कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है बच्चों? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी शाम होते ही हमें अंधेरे में मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं? इसमें ड्राई आइज, अल्सर्स इन दी आई, हमारी आँखें सूखने लगती हैं और आइज में अल्सर, एक बीमारी है वो होने लगती है। विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी ये डिसीज होती है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नर्वसनेस, इसमें हमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, यानी कि घबराहट जो होती है हम। विटामिन सी से स्कर्वी की बीमारी होती है, इसमें फ्रीक्वेंट कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, स्वेलन, सूजन आ जाती है, एंड ब्लीडिंग गम्स, और हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड निकलने लगता है। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, इसमें हमारे बोन्स एंड टीथ ये दोनों ही कमज़ोर होने लगते हैं। विटामिन के, इसे हमें हेमोरेजिक बीमारी होती है ऑफ द न्यू बॉर्न, जो नए बच्चे होते हैं उनके अंदर। आयरन, ये एक मिनरल है, इसकी कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, एनीमिया में हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से बच्चों हमारे बोन्स और टीथ ये दोनों ही कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह से आयोडीन है, आयोडीन की कमी से
गोइटर, ये एक बीमारी है, गोइटर की बीमारी होती है। इस बीमारी में जो हमारा गला होता है यानी कि जो हमारी नेक है वहाँ पे सूजन आ जाती है, वो सूज जाता है, लमोटा फूल जाता है और हमें खाने में बोलने में दिक्कत होती है, ये गोइटर होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिजीजेस कॉज ड्यू टू द ओवर न्यूट्रिशन। और बच्चों कभी कभी हम जो हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं ओवर ईट करने से भी हमें बीमारी हो जाती है, कम खाने से भी बीमारी होती है। तो इसी तरह बच्चों अगर आप कोई न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तब भी हमें बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स को ना तो अपने फूड में मतलब उनकी क्वांटिटी ना तो कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम होने से भी बीमारी होती है तो ज़्यादा होने से भी बीमारी होती है ओवर ईट करने से। देखिए ओवर ईटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे आल्सो कॉज अ डिसीज। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अ ओवर ईटिंग और एक्सेस ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट्स की चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें लेते हैं तो बीमारी होती है, उसे कहते हैं हम ओबेसिटी। अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स विच इज नॉट यूज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर द फ्यूचर यूज। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अपनी डाइट में लेते हैं तो उसका कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर ही फ्यूचर के लिए यूज कर लिया जाता है एंड दिस फैट मेक्स अस ओबेस। और अगर वो फैट बहुत ज़्यादा जब हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है तो उसकी वजह से हमें बीमारी होती है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, और स्टोर किया हुआ जो फैट है उसे कहते हैं ओबेस। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।